मेरा नाम श्रवण रेड्डी है। जैसे आप जानते हो कि जो वूल रनवे है हमारा सेकेंड ईयर है, जो पायनियर ईयर था लास्ट ईयर हुआ था इसी वक्त। एंड इट्स बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है फॉर यंग डिज़ाइनर्स फ्रॉम वेरी यू नो वेल नोन अकेडमीज़ के लिए, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर देम एंड ऑल्सो टू एजुकेट मोर देम यू नो मोर अबाउट वूल एंड मेरिनो वूल इन पर्टिकुलर। एंड ऑल्सो होपिंग कि आगे जाकर ये जो प्लेटफॉर्म है यंग बडिंग डिज़ाइनर्स के लिए, टैलेंट के लिए, यू नो इट ओपन्स प्लेटफॉर्म एंड इट ओपन्स इनटू द रियल मार्केट फॉर देम एंड हेल्प्स देम एंड ऑफ कोर्स एजुकेट देम इनडायरेक्टली थ्रू देम अबाउट द मेरिनो वूल। सो इट्स ग्रेट, आई हैव सीन लॉट मोर ऑफ द डिज़ाइन, आई मीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्चुअली बिफोर द शो इटसेल्फ। और मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने किया है, जो मल्टी फंक्शनैलिटी है मेरिनो वूल की, दे हैव डन फैबुलस जस्टिस टू इट। मोस्ट ऑफ देम प्रॉब्ली एवरी डिज़ाइन ऑफ दी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट लुक यू नो एटलीस्ट आई लाइक देम पर्सनली। कब से जुड़े हैं आप वूल मार्क्स? अभी ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट्स फैंटास्टिक, बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है मुझे वूल के बारे में। जो जो मिसकंसेप्शंस है या जो जो चीज़ें मुझे पता नहीं था, वो सारी जो मिसकंसेप्शंस है दूर होते जा रही है हर एक एक्सपीरियंस से, हर एक चीज़ से जो जो मैं जुड़ते जा रहा हूँ वूल मार्क से। जो सबसे बड़ी जो वूल को लेकर जो हम जानते हैं या शायद आप भी जानते हो, आपको भी लगता होगा कि ठंडी के मौसम में पहनना चाहिए, वो सब उस तरह की मिथ्स जो है दूर होते जा रही है। बिकॉज़ काफ़ी R&D के बाद अभी वूल मार्क इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, एंड R&D के बाद हम यू नो यही चीज़ पुश करना चाहते हैं, स्पेशली मेरे थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू मैं भी यही पुश करना चाहता हूँ कि इट्स मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस फाइबर नाउ, इट्स इट कैन बी वॉन फॉर एथलीशर एंड यू नो डेली कैजुअल वेयर के लिए भी, इट्स नो मोर फॉर विंटर्स। सो इस तरह की चीज़ें मैं खुद जाना हूँ, और मैं ये जो मैसेज है थ्रू सोशल मीडिया इन जनरल अलग अलग इवेंट्स के थ्रू इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर बात करें, एक कितनी खुशी है कि एक भारतीय कंपनी है उसके लिए ब्रांड बनते हैं, इंडियन के तो बनते ही हैं लोग, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। एक एक्टर के तौर पर हर यू नो हर कोई चाहता है कि अपने करियर में एक टाइम आए जो यू नो यू स्टार्ट एंडोर्सिंग ब्रांड्स। मैं कहता हूँ कि काफ़ी यू नो कम यू नो इट्स अ शॉर्ट करियर व्हाट आई हैव हैड अंटिल नाउ इन मोस्टली फील्डिंग अराउंड विद टीवी। सो मैं तो बोलूँगा इट्स अ ग्रेट ऑनर, स्पेशली जिस तरह की वैल्यू और जिस तरह की ट्रस्ट वूल मार्क कंपनी हमेशा से यू नो एक आम जनता में जो रखा है उसने, उस तरह की कंपनी के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनना इंडियन मार्केट के लिए, इट्स डेफिनेटली अ प्रिविलेज एंड दैट टू सो अर्ली ऑन इन माय करियर। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर यार, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। सो एंड आई होप आई जस्ट स्टैंड अप टू इट एंड आई यू नो पास ऑन द मैसेजिंग एंड डू माई बिट। रनिंग प्रोजेक्ट क्या है? किसके बारे में रनिंग प्रोजेक्ट है? रनिंग प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, जैन से कुछ शूट करना शुरू करने वाला हूँ। ती गुडाल, मैं इंडिया की वूल मार्क के कंट्री मैनेजर हूँ। अब बात करें आज जो इवेंट है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जर्नी हम लोगों ने लास्ट ईयर चालू किया था, जो इंडिया में हम लोगों ने वूल रनवे लॉन्च किया, जहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट्स जो NIFT, NIID और पर्ल एकेडमी स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, लास्ट ईयर हम लोगों ने 450 बच्चों को पढ़ाया वूल के बारे में, और कॉम्पिटिशन हुआ यहीं पर, और वो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था और जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स जीत के चले गए। इस बार भी 15 कैंपसेस पार्टिसिपेट किए, 800 बच्चे सामने आए। कहाँ कहाँ से आए बच्चे? ये सारे शिलोंग, चेन्नई, इंडिया के कोने कोने से आए। या कोने कोने से आए हुए हैं, 15 इंस्टीट्यूट या 15 कैंपसेस ने पार्टिसिपेट किया। तो जो आज आपने देखा वो बहुत ही बड़ी बात है, 800 बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया वूल के बारे में और फिर ये कॉम्पिटिशन में आए। तो ये ग्रो कर रही है मार्केट कंपनी जो है वूल के बारे में? इंडिया में हम लोग ग्रोथ देखना चाहते हैं, चाइना ने जैसे 75% मरीनो वूल, 80% ऑस्ट्रेलिया से चाइना जाता है, 8% इंडिया आता है, तो अभी हम लोग उसको 11-12% तक तो लेके जाने वाले हैं, तो वही कोशिश कर रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें क्या कहना चाहेंगे? श्रवण को हम लोग ब्रांड श्रवण को इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत यूथ को सपोर्ट करते हैं और उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, जो टारगेट बोलते हैं जो टारगेट ऑडियंस है वो 20 साल से लेके 35 ईयर्स तक है, तो वो रीच अगर मिलती है, नहीं तो वूल जो पहनते हैं वो ज़्यादातर सूट पहनते हैं, जो रेमंड वाले जो सूट पहनते हैं वो 40-45 ईयर्स के ऊपर वाले पहनते थे, तो हमको वो चेंज करना था, परसेप्शन चेंज करना था, लोगों को बताना था कि यंग लोग भी पहन सकते हैं। इसीलिए शहर में वूल का बहुत कम यूज होता है। नहीं, आपने अगर श्रवण का जो वीडियो देखा वो था लाइट वेट मरीनो वूल टी शर्ट्स थे जो
100% 80% मरीनो वूल टी शर्ट है जो जिम में भी पहन सकते हैं, नॉर्मल पार्टी वेयर भी है। आज जो उन्होंने पहना है वो सारा ज़ीनिया का है, और ज़ीनिया ने जो उनको उनके लिए बनाया है वो सारे टी शर्ट जो गर्मी में भी पहन सकते हैं। कितने बॉडी के लिए कितने मतलब कोई नुकसान नहीं दे, ऐसे क्या इसके कंटेंट की बात करें जो इसमें है? आपने अगर देखा तो वूल बहुत नेचुरल है, सस्टेनेबल है, वर्सटाइल है, वो जो भी हम बोलते हैं सब उसकी अच्छाई है उसमें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक जो हम सब बोलते हैं अरे ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक वूल ऑर्गेनिक है क्योंकि जो शीप से निकलता है, शीप से जो वूल निकलती है, ऊन निकलती है, वो एक्चुअली शीप ग्रास पे रहता है, तो नेचुरली सब ऑर्गेनिक है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक ये नहीं बोलते। मार्केट में चाइना ने आर्टिफिशियल भी निकाला है, लेकिन वो तो हम लोग सपोर्ट ही नहीं करते और कर भी नहीं सकते। अगले साल की लैक्मे में क्या आपके फैशन शो नजर आएंगे आपकी कंपनी? हम कुछ करना चाहते हैं, आपको बता देंगे जब लैक्मे में कुछ करेंगे तो ज़रूर। थैंक यू सो मच सर। इसमें आप डिजाइनर हैं, शो में जज रहे, किस कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए एज अ डिज़ाइनर और ऑल्सो एज अ जज, मैंने वुलमार्क प्राइज़ में दो बार किया हुआ है, ऑल्सो वन द रीजनल वुलमार्क प्राइज़ लास्ट ईयर। तो मेरिनो वूल जो है एक मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग मटेरियल है, और जिस हिसाब से स्टूडेंट्स ने उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन की है, जिस हिसाब से टेक्सटाइल डेवलपमेंट की है, और जो एक एंथुजियाज्म और पैशन के साथ उन्होंने क्रिएशंस किए, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो टू सी। एंड आई थिंक एनी कॉम्पिटिशन लाइक दिस विच यू नो एनकरेजेज न्यू टैलेंट, विच गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड्स अ फेयर जजमेंट एंड गिव्स अ किक स्टार्ट टू देयर करियर, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। सो आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी हाउ द विनर्स इमर्ज आउट ऑफ इट। वूलन के कपड़े जो मुंबई के डिजाइनर है बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही रहा होगा। देखिए वूल के जो क्वालिटीज़ हैं मेरीनो वूल स्पेशली, उसके कूल वूल की तरह या ऑल वेदर के लिए भी यूज़ होती है, प्लस लोग आजकल इतना ट्रैवल करते हैं कि ट्रैवलिंग वार्डरोब के लिए हुई आपकी थ्रू द ईयर, अभी आप जैसे अभी नॉर्थ में कोल्ड है, बॉम्बे में प्लेजेंट है, लेकिन आप पेरिस जाएंगे तो बहुत ठंडा है, या लंदन जाएंगे तो बहुत ठंडा है, तो जो नए मॉडर्न ट्रैवलर्स है, द न्यू शॉपर्स, उनके लिए बहुत परफेक्ट फैब्रिक। थैंक यू। आई एम राहुल मिश्रा एंड वंडरफुल टू बी हियर एट International Woolmark Company's event called Wool Runway. कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आज ये जज के बारे में बात करने? नहीं बहुत अच्छा था, जो जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमेशा ही एक अलग नज़रिया होता है, बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है, वो बहुत ही अच्छी बात थी। और दूसरा जो बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली वो है कि ऑल ओवर इंडिया से जो डिफरेंट कॉलेज से डिफरेंट रीजन से जो सारे स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने अपना अपना वर्जन दिखाया क्रिएटिविटी का, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। देश की इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट जनरेशन के पास जो आइडियाज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप नॉर्थ से हैं, नॉर्थ में सिर्फ सर्दी के लिए जाना जाता है, ऊन की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 महीने की बात हो रही है, 12 महीने पहन सकते हैं। देखिए मैंने इंटरनेशनल वूलमार्क प्राइज जीता था 2014 में मिलान में, तो मैं तब से वूलमार्क से जुड़ा हुआ हूँ, और 2013 से मैं करीब वूल पर काम कर रहा हूँ। मैंने कपड़ा जो बनाया था वो आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड में पहन सकते हैं, मैंने चंदेरी में हैंडलूम पर बनाया था कपड़ा, वो तो वो फाइबर आज के ज़माने में जो वुलन फाइबर हो गया इतना पतला बना सकते हैं आप कि वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिखता है, और मेरीनो फाइबर के पास वो खासियत होती है। बात सिर्फ ये इंडिया में जो हम जो वूल देख रहे हैं वो एक्चुअली एक्रिलिक है, मेरीनो वूल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही कम हुआ है अभी तक, तो इसके लिए ऐसा लगता है कि वूल जो है वो गर्मियों का फाइबर नहीं है, सर्दियों का है। ये जैसे कॉटन है, सिल्क है, वैसे ही एक फाइबर है, आप जितना पतला इसको स्पिन करेंगे, जितना महीन कपड़ा इससे बनाएंगे उतना ही अच्छा रहता है। और वूल का जो नेचर है, ह्यूमन हेयर जैसा नेचर होता है वूल के फाइबर का, जो कि शीप का हेयर, एक मैमल का हेयर है, तो उसकी वजह से वूल काफ़ी नेचुरल है, स्किन फ्रेंडली भी है। बहुत ही कम ऐसा कभी आया है नज़र में कि वूल से कोई एलर्जिक रहा हो, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वूल एक अपने आप में बहुत ही अमेजिंग फाइबर है। और मैं तो इंटरनेशनल शो करता हूँ, पेरिस में शो करता हूँ, तो मैंने तो वहाँ गर्मियों के लिए वूल यूज़ करता हूँ, सर्दियों के लिए वूल यूज़ करता हूँ, इंडिया में भी मैं गर्मी सर्दी हर जगह वूल यूज़ करता हूँ।